सबसे पहले आपको देंगे अफसोसनाक खबर। मुफ्ती आजम पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी कराची में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। रफ़ी उस्मानी साहब ने रईसुल जामिया दारुल उलूम और सरपरस्त आला विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तौर पर भी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। आलम की मौत है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। रफ़ी उस्मानी दारुल उलूम कराची के रईसुल जामिया और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त आला थे। उन्होंने कई मौक़ों पर दीनी मामलात के साथ मुआशी सियासी और समाजी मसाइल पर कौम और हुकूमत की रहनुमाई की। रफ़ी उस्मानी साहब 21 जुलाई 1936 को भारतीय शहर देवबंद में पैदा हुए थे। आप मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहम्मद शफी उस्मानी के बड़े साहिबजादे थे। आपके छोटे भाई मुफ्ती तकी उस्मानी की भी अल्लाह के दीन की खिदमत और रसूल खुदा की मोहब्बत में कई गरा कदर खिदमात हैं। रफ़ी उस्मानी ने दो कौमी नजरिया समेत कई अहम मौजूआत पर अरबी और उर्दू में कई किताबें तहरीर की। हर हफ्ते और बुध के दिन आप अपने वालिद की तफसीर का दर्स देते थे।